हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिटिकल स्टडी में। आज है 22 अप्रैल 2023 और 22 अप्रैल 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो इसको कब मनाया गया है? 12 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, रैपिडेक्स। रैपिडेक्स दिया गया है इंडिया फास्टर फॉरवर्ड ट्रेन्स को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल की शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, अल सल्वाडोर मध्य अमेरिका में स्थित सबसे छोटा और सबसे सघन आबादी वाला देश है। अब बात है अल सल्वाडोर की, तो ये है मैप में अल सल्वाडोर, ठीक है ना। अल सल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सल्वाडोर। करेंसी क्या है? US डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नायब बुकेले जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब बात है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये इंडिया का मैप है और ये जो जहाँ रेड रेड है ये है महाराष्ट्र एरिया। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? रमेश वैस जीहन के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाँचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, चेन्नई जो है 15 साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, तमिलनाडु। अब मैप में ये है, मैप इंडिया का मैप है और मैप में ये है सबसे कोने में है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। CM कौन है? MK स्टैलिन। और गवर्नर कौन है? RN रवि जी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, 5.9% रहने का अनुमान लगाया है। किसने लगाया है? अब IMF। तो IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मोनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, यानी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC में है इसका हेडक्वार्टर। और इसके MD कौन है? तो क्रिस्टलिनिया जॉर्जिया जो है इसकी MD है, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की MD है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, नई दिल्ली में युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। अब बात है शिक्षा मंत्रालय, तो शिक्षा मंत्री कौन है? ये है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या नाम है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ये है, ये आपको फोटो में देख सकते हैं, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन सी राइट होगा, जस्टिस ए के सिंह जो हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अब तो ये है मैप में त्रिपुरा, ये है मैप में त्रिपुरा, ठीक है ना। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। CM कौन है? मानिक साहा। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दसवां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश
देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्र को बंद करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी राइट होगा, जर्मनी देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। अब ये है वर्ल्ड का मैप और ये है यहाँ पर जर्मनी, जर्मनी। अब बात है जर्मनी की, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल। प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है यहाँ के प्रेसिडेंट। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है यहाँ यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्यारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारहवां क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बेहद रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? पेरियार टाइगर रिजर्व, यानी बी ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे बेहद रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तेरहवां क्वेश्चन है, हाल ही में निशा दाहिया को कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, रजत पदक जीता है निशा दाहिया में। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है निशा दाहिया जी जो कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौदहवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गुण पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, मध्य प्रदेश राज्य को गुण पेंटिंग का जीआई टैग मिला है। अब मैप में ये है इंडिया का मैप, ये है मैप में मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और यहाँ का भोजताल जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भोजताल भी है भोपाल में। सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? मंगू भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंद्रहवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रामबन पीरा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी राइट होगा। ये हैं फोटो में आप देख सकते हैं, नितिन गडकरी जी ये हैं जो रामबन में पीरा कुंफन सुरंग का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रिटिकल स्टडी 31 और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली करेंट अफेयर्स वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।